नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप जो अगर आप कोई स्मार्टफोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो उसमें जो कितने स्पीड से चार्ज हो रहा है, कितने एम्पियर से जो है चार्ज हो रहा है, आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर आपकी अगर आपकी स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं तो वो जो है कितने स्पीड से जो है बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, कितने एम्पियर पे जो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो यार शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेनी है, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करनी है एम्पियर। तो एम्पियर सर्च करने के बाद इस एप्लीकेशन को जो आपको इंस्टॉल कर लेनी है, इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। अभी कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देंगे, तो यहाँ पर जो आपको यस आई एग्री पे क्लिक कर देनी है, उसके बाद क्लोज कर दीजिए। अभी यहाँ पर नीचे ओके कर दीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखा रहे हैं मैं स्क्रीन। तो यहाँ पर जो है अभी कैलकुलेट हो रहा है आपकी कितने एम्पियर पे जो है, कितने एम्पियर जो है आपकी डिस्चार्ज हो रहा है, और कितने मिली एम्पियर मैक्सिमम। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो है 840 मिली एम्पियर पे जो है बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, और मिनिमम जो है 390 मिली एम्पियर पे जो है बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। और यहाँ पर आपकी बैटरी लेवल यहाँ पर दिया हुआ है 52% बैटरी हेल्थ, और बैटरी टेम्परेचर वगैरह 37.7 डिग्री, और वोल्टेज वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अब जो है चार्जिंग करेंगे तो आपको जो है किस तरीके से दिखाई देगा। तो मेरे पास ये एक यूएसबी केबल है और एक पावर बैंक है, तो इस पावर बैंक पे जो है मैं इस यूएसबी केबल को लगा देती हूँ। अभी इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ। यहाँ पर अभी देखिए पावर जो है कनेक्ट हो गया, अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाएगी जो कितने एम्पियर पे मिली एम्पियर पे जो है बैटरी चार्ज हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1130 मिली एम्पियर पे जो है बैटरी चार्ज हो रहा है, और मिनिमम जो है 970 mAh मिली एम्पियर पे, और मैक्सिमम जो है 1140 मिली एम्पियर पे जो है चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हैं। अभी इसको मैं आपको मेरे चार्जर पे दिखा देता हूँ। ये दो चार्जर, एक MI की है और एक Realme की है। तो इस USB केबल को खोल लेती हूँ, उसके बाद सबसे पहले जो मैं यहाँ पर MI की जो चार्जर है इसमें लगा देती हूँ USB केबल को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो है पावर कनेक्ट हो गया, देख सकते हैं दोस्तों चार्ज हो रहा है। यहाँ पर इसमें कितने मिली एम्पियर दिखाता है, तो यहाँ पर देखिए ये इसका ओरिजिनल चार्जर है, तो 1650 मिली एम्पियर पर जो है मैक्सिमम चार्ज हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं 1670 हो गया, अभी 1630 मिनिमम जो चार्जिंग हो रहा है मिली एम्पियर पे यहाँ पर दिखा रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। अभी इसको मैं चेंज करके इस रियलमी वाले चार्जर से जो है इसको चार्ज करके आपको दिखाता हूँ। इसको खोल लेता हूँ, यहाँ पर इसमें लगा देती हूँ। अभी चार्जिंग जो है कनेक्ट हो गया, अभी देख सकते हैं पावर कनेक्ट हो गया, चार्ज हो रहा है। ये बताएगी जो है कितने एम्पियर पे चार्ज हो रहा है मिली एम्पियर पे। अभी आप देख सकते हैं ये इसका ओरिजिनल चार्जर नहीं है, तो इसमें जो है आपको 300 मिली एम्पियर पे दिखा रहा है, 390 मिली एम्पियर मिनिमम जो चार्ज हो रहा है 300 एम्पियर पे मिली एम्पियर पे जो है चार्ज हो रहा है। इसका ओरिजिनल चार्जर नहीं है तो इतने कम एम्पियर पे जो है चार्ज हो रहा है। पर अब इसको अगर इसको लगा के देखेंगे तो MI वाले पे, तो इसमें जो है आपको ज़्यादा एम्पियर से चार्ज हो रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए MI वाले से जो है MI की जो चार्जर है इसमें ये वाला फ़ोन जो है जल्दी से चार्ज हो रहा है, मतलब ज़्यादा एम्पियर पे यहाँ पर चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो है इस एप्लीकेशन के मदद से आप अगर कोई भी नए केबल या फिर नए चार्जर खरीदे तो आप उसको चेक कर सकते हैं वो ठीक ठाक काम कर रहा है या फिर नहीं, या कितने एम्पियर पे जो है वो चार्ज निकाल रहा है आपके स्मार्टफोन, कितने एम्पियर पे चार्ज हो रहा है, या फिर कितने एम्पियर पे जो है आपके स्मार्टफोन डिस्चार्ज हो रहा है आप जब यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद है। दोस्तों, पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।